बात अब दिल्ली की करेंगे। दिल्ली पुलिस ने किडनी चोरों के एक ऐसे इंटरनेशनल रैकेट का पर्दाफाश किया है जो देश के नामी अपोलो अस्पताल में फल फूल रहा था। इस रैकेट के तार देश के अलग अलग राज्यों के साथ साथ इलाज के लिए हिंदुस्तान आने वाले विदेशियों तक फैले हुए थे। धंधेबाज औने पौनी कीमत पर किडनी खरीदते और फिर उन्हें मोटी रकम पर बीमार लोगों को बेच देते। अब पुलिस को शक है कि इस रैकेट में कई बड़े लोग और डॉक्टर भी शामिल हो सकते हैं। दिल्ली में इंटरनेशनल किडनी रैकेट का खुलासा। देश के नामी अपोलो अस्पताल में होता था कारोबार। कई राज्यों से जुड़े थे किडनी के धंधेबाजों के तार। 5 लोग गिरफ्तार, कई और धंधेबाजों की तलाश। धंधेबाजों में अस्पताल के 2 मुलाजिम शामिल। अपोलो के कई डॉक्टर भी पुलिस की रडार पर। ये है देश का नामी और हाई प्रोफाइल अपोलो अस्पताल। जी हाँ, वही अपोलो अस्पताल जहां अक्सर जानी मानी हस्तियां अपने इलाज के लिए पहुंचती हैं और जिस अस्पताल को तमाम सुविधाओं से लैस माना जाता है। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि ठीक सरिता विहार थाने और साउथ ईस्ट जिले के DCP ऑफिस के सामने मौजूद इस अस्पताल में तकरीबन 6 महीने से एक बड़ा किडनी रैकेट काम कर रहा था। एक ऐसा किडनी रैकेट जिसके तार न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों तक फैले हुए थे और जिसने अब तक की धंधेबाजी में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए के वारे न्यारे कर दिए। ये बातें अजीब लगती हैं, लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने जो खुलासा किया है उससे साफ हो गया है कि हाँ, रैकेटियर्स ने इस अस्पताल को अपना अड्डा बना लिया था। दिल्ली पुलिस को तब पहली बार इस रैकेट का पता चला जब एक दंपत्ति आपसी झगड़े की शिकायत लेकर अस्पताल के सामने मौजूद सरिता विहार थाने में पहुंची। दरअसल दोनों किडनी के बंदरबाट के धंधे के मोहरे थे और दोनों के बीच किडनी की खरीद फरोख्त की रकम को लेकर ही लड़ाई हो गई थी। तो जब पुलिस ने दोनों का झगड़ा सुलझाने की कोशिश की, किडनी रैकेट की नई कहानी सामने आ गई। इसके बाद पुलिस ने एक एक कर इस रैकेट के 5 धंधेबाजों को गिरफ्तार कर लिया। असीम सिकदर, सत्यप्रकाश उर्फ आशु, देवाशीष मल्लिक, आदित्य और शैलेश सक्सेना। हालांकि पुलिस की माने तो इस रैकेट का मास्टरमाइंड राजकुमार राव अब तक फरार है। अब पुलिस इस रैकेट के बाकी धंधेबाजों का पीछा करती हुई कोलकाता, चेन्नई और कोयंबटूर समेत कई दूसरी जगहों पर छापेमारी कर रही है। इस रैकेट में हर धंधेबाज के हिस्से का काम बटा हुआ था। कुछ लोग शिकार यानी डोनर की तलाश करते थे, जबकि कुछ रिसीवर की। फिर शिकार और डोनर को एक दूसरे का रिश्तेदार दिखाने के लिए फर्जी कागजात बनाए जाते थे। अस्पताल के मुलाजिम इस काम में उनकी मदद करते थे। फिर डोनर और रिसीवर को अस्पताल में भर्ती करवाया जाता था और फिर 10-15 दिनों में डील पूरी हो जाती थी। रैकेट में रुपयों की बंदरबांट अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है। ये रैकेट किडनी के जरूरतमंद से 20 से 25 लाख रुपए वसूलता था। इसमें बिचौलियों को 1-1 लाख रुपए मिलते थे, जबकि डोनर को सिर्फ 3-4 लाख रुपए। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर बाकी की मोटी रकम कहां जाती थी। और यही वजह है कि अब पुलिस को लग रहा है कि अभी इस मामले में कई और खुलासे हो सकते हैं। मुमकिन है कि धंधे में कोई डॉक्टर या बड़ा आदमी भी शामिल हो। इन्वेस्टिगेशन हमारा चल रहा है, स्पेशल टीम्स काम कर रही हैं। अभी तक की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, हमारे हिसाब से और भी लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। कुछ और मिडलमैन हैं जिनके लिए हमारी टीम्स दे आर आफ्टर देम, उनको अरेस्ट करने की कोशिश कर रही हैं। और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे आएगा और जो डिटेल्स होंगी वो आपसे शेयर की जाए। पुलिस की माने तो ये रैकेट सिर्फ दिल्ली और आसपास ही नहीं बल्कि पूरे देश और यहाँ तक कि विदेशों में भी फैला हुआ था। धंधेबाज जगह जगह डोनर और रिसीवर की तलाश करते, फर्जी कागजात तैयार करवाते और फिर लाखों रुपए वसूल करते। खास बात यह है कि विदेशी जरूरतमंदों को किडनी बेचने के लिए हिंदुस्तानी जरूरतमंद के मुकाबले कई गुना ज्यादा रकम दी जाती थी। किडनी कांड में गिरफ्तार आरोपियों के खुलासे से पुलिस को एक बड़ी रकम का पता चला है। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये रकम, इतनी बड़ी रकम किस बड़े आदमी को पहुंचाई जाती थी। और सबसे बड़ी बात यही है
कि पुलिस ने अस्पताल के किसी भी कर्मचारी को या डॉक्टर को अभी भी क्लीन चिट नहीं दी है, यानी आने वाले वक्त में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। कैमरामैन प्रताप, चिराग और नितिन जैन के साथ रामकिंकर सिंह, दिल्ली आज तक। एक किडनी बेशक 20 से 25 लाख में बेची जाती थी, लेकिन अपनी किडनी देने वाले डोनर को बमुश्किल 2 से 3 लाख रुपए ही मिलते थे, जबकि बिचौलिया 1 से 1.5 लाख रुपए लेता था। ऐसे में सवाल यह है कि इस नाजायज सौदेबाजी का सबसे बड़ा हिस्सा किसके पास जाता था, और बस इसी सवाल का पीछा करती हुई पुलिस अब बड़ी मछलियों को टटोल रही है। देश के नामी अपोलो अस्पताल में फल फूल रहे किडनी रैकेट में रुपयों के बंदरबांट ने ही पुलिस को उलझा दिया है। दरअसल अब तक की छानबीन में ये बात तो साफ है कि एक किडनी की खरीद फरोख्त कुल 20 से 25 लाख रुपए में होती थी, लेकिन इसी खरीद फरोख्त की एक मोटी रकम रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती थी। कहने का मतलब ये है कि इस रकम का छोटा हिस्सा डोनर और मिडिलमैन को मिलता था, जबकि रिसीवर से वसूली जाने वाली मोटी रकम का सबसे बड़ा हिस्सा आखिर कहां जाता था, ये फिलहाल किसी को नहीं पता। और बस इसी सवाल ने पुलिस को इस धंधे की बड़ी मछलियों का पता लगाने के लिए मजबूर कर दिया है। यही वजह है कि अब पुलिस ने अपोलो अस्पताल प्रबंधन को भी सवालों की एक लंबी फेहरिस्त सौंपी है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन इस मामले में कैमरे पर तो कुछ भी नहीं बोलना चाहता, लेकिन उसने अपना बयान जरूर दिया है। अपोलो का कहना है कि पुलिस ने हमसे एक दिन पहले एक किडनी रैकेट को लेकर मुलाकात की। हमने पुलिस को सहयोग किया और पुलिस ने जो जानकारी हमसे मांगी वो हमने मुहैया कराई। हमारे यहाँ जो भी किडनी ट्रांसप्लांट होती है वो सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ की जाती है। हम कानूनी प्रक्रिया के तहत काम करते हैं। हमें इस घटना की जानकारी बिल्कुल नहीं थी। पकड़े गए दोनों पीएस अपोलो के स्टाफ नहीं है बल्कि डॉक्टरों के पीएस हैं। हम दिल्ली पुलिस से इस मामले में कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। दिल्ली में किडनी रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है, सिलसिले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, एक को अभी पकड़ा हुआ है। जांच की जा रही पूरे मामले की। इस समय हम अपोलो हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं। दरअसल अपोलो हॉस्पिटल का जो क्लैरिकल स्टाफ था वो इस रैकेट में शामिल था। असल में इस सिलसिले में अब तक गिरफ्तार 5 लोगों में से 2 ऐसे हैं जो अपोलो में डॉक्टरों के पीएस के तौर पर काम करते हैं, और इन्हीं के जरिए अब तक अपोलो में किडनी चुराने और उसे आगे बेचने का काम चल रहा था। और ऐसा तब था जब ऑर्गन डोनेशन को लेकर बेहद कड़े कानून पहले से मौजूद हैं। ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट 1994 के मुताबिक सिर्फ खून के रिश्ते वाले लोग ही अपनी ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। किडनी डोनेशन सिर्फ माता पिता, भाई बहन और दादा दादी एक दूसरे को कर सकते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट प्रक्रिया के दौरान वीडियोग्राफी करना बेहद जरूरी है। किडनी डोनेशन के लिए बाकायदा हर अस्पताल में एक असेसमेंट कमेटी मौजूद होती है। कमेटी की मौजूदगी और डॉक्टरों की निगरानी में ही ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया की जा सकती है। इनके जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है उसमें ज्यादातर डॉक्यूमेंटेशन फेक है। जो रियल है, जो रियल वाइफ है, जो रियल ब्रदर है, उनका फोटोग्राफ्स, बाकी जो रियल लोग हैं उनकी डिटेल से लगा के और इन केसेस को अप्रूव कराया गया है। एक्ट ये भी कहता है कि सारा प्रोसीजर जो ये होता है दैट शुड बी वीडियोग्राफ्ड। एक्ट में ये सभी प्रोविजन इसलिए डाले गए हैं जिससे कि इस पूरे प्रोसेस में कमी की कोई गुंजाइश ना रहे, लेकिन पूरे प्रोसेस को सर्कमवेंट किया गया है और राइट फ्रॉम द बिगनिंग, राइट फ्रॉम प्रोक्योरिंग द आईडी कार्ड एंड एड्रेस प्रूफ अप टू अप्रूवल बाय द कमेटी, टोटल केसेस को सर्कमवेंट करके फेक आइडेंटिटी पे किडनी डोनेट कराए। पुलिस ने अब तक इस रैकेट से किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जरूरी कागजात, फर्जी वोटर आई कार्ड, फोटोग्राफ, मेडिकल रिपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और करीब 2 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। फिलहाल इस सिलसिले में सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि कोलकाता, चेन्नई और कोयम्बटूर समेत देश के दूसरे कई शहरों में छापेमारी चल रही है। धंधे का मास्टरमाइंड सी राजकुमार राव आंध्र प्रदेश का रहने वाला है और अभी फरार है। गिरफ्तार धंधेबाजों ने बताया है कि वो कोयम्बटूर में भी 12 से 15 किडनियां निकलवा चुके हैं, जबकि इस रैकेट को अपनी किडनी बेचने वाली 3 महिलाएं अभी एम्स में भर्ती हैं। नितिन जैन और राम किंकर सिंह के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक।